ए मधुवाला ला सारा माल निकाल, तेरे पे तो बहुत माल उड़ा है। ए बाकी माल कहाँ है? कौन सा माल? सीधे से देती हूँ मैं, निकालू छूने का नहीं। चल निकाल निकाल, ले ये ले तेरी कमीशन। ए मीना चल जाओ। जाती है वैसे भी ये नल्ला है। चल पाउडर रानी, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। मेरे को वैजयंती का फोन आया था कि तू आने वाला है, बोल क्या काम है? उसने आपको बताया नहीं? ये मधुबाला चलती है क्या? ए झिंगे चल फुटना, बहुत भाव खा रहे लिया आज। ए तू जाता क्या? चल हाँ बोल सेठ। यहाँ पे बात नहीं हो पाएगी, हम लोग बाहर जाके बात, कहीं और जाके बात करें। ठीक है, लेकिन उसका पैसा ज्यादा लगेगा। ठीक है चल। चलो। अरे सेठ यहाँ क्यों लाया है तू? चांदनी में चलना, वहाँ ग्राहकों की चांदी चांदी है। अरे कमरे के साथ साथ साबुन तौलिया बियर वियर सब फ्री मिलता है। मेरा कमरा यहाँ पे। ओह लगता है बहुत बड़ा पाना लगा है। तुम लिफ्ट के पास जाओ, मैं चाबी लेके आता हूँ। गुड इवनिंग। अरे रे, ये सैंडल बार बार क्यों खुल जाती है इसकी तो। क्या रे कबूतर, दांत क्यों दिखा रहा है? नहीं लगाए क्या? मोटू कहीं का चलें। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ए सेठ इसको टिप मत देना, मेम साहब बड़ी दिलवाली है। अच्छा। बहुत चालू चीज है सेठ, दे दे टिप। ये लो। थैंक यू सर। ए मोटू आधा मेरा है। आइए 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 आप आइए। अय्या कितना बड़ा कमरा है रे। सुना था बड़े बड़े होटल में बहुत बड़े बड़े कमरे होते हैं, पर सेठ ये तो कितना बड़ा है। अरे टीवी भी है, तेरा है सेठ? नहीं होटल का है, आप देखना चाहेंगी? मोबाइल फोन है सेठ? नहीं ये रिमोट कंट्रोल है। मधुबाला। ओ सेठ मैं तो भूल ही गई थी। नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों मूड नहीं है क्या? नहीं मुझे आपसे दो मिनट बात करनी है। आप उसका डबल पैसा लगेगा सेठ। मैं तो मजाक कर रही थी सेठ। बैठना। अरे बैठना, अभी तेरे से क्या भाव की बात करने का सेठ। जब मैं बाहर जाती है ना बहुत पैसा लेती है, 700-800 रुपए लेती है, लेकिन तू अच्छी जगह लाया, अच्छी तरह बात भी किया, देखने में भी चिकना है। तेरे को तो मैं काटूंगी, 1000 रुपए लूंगी। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि आप एक हफ्ते का कितना लेंगी? 3000। एक महीने का? मैं तेरे को इतनी अच्छी लगी क्या? तू भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। चल एक महीने का 15000 रुपए दे देना। एक साल का? एक साल? अरे बहुत हो जाएगा, इतनी तो गिनती भी नहीं आती मेरे को, 30-35-35। 1 लाख हो जाएगा सेठ, 1 लाख। कितना है? 2 लाख। 2 लाख सेठ, इतना पैसा जिंदगी में कभी एक साथ नहीं देखी मैं। ए सेठ कोई उल्टा सुल्टा काम नहीं करेगी मैं, कहीं तू नंगी पिक्चर में तो नहीं काम कराएगा? घबरा मत, मैं शादीशुदा हूं और मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं। दिखता है हमारे पास सब कुछ है, सिर्फ एक औलाद नहीं है, मुझे तुमसे एक बच्चा चाहिए। बच्चा क्यों? तेरी बीवी को बच्चा नहीं होता क्या? अरे नहीं रुक रही है। तो तू मेरे पास काहे को आया है रे? क्योंकि मुझे तुमसे एक बच्चा चाहिए। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ।
होल कितना देगा? 5 लाख 10 लाख। हेलो, क्या वो तुम ठीक हो? 10 लाख 10 लाख। क्या वो? मैं खाली तेरे को बच्चा देगी और बदले में तू मेरे को 10 लाख रुपए देगा। सेठ मटका लगा के रास्ते पे तो नहीं छोड़ देगा ना? मैं तुम्हें सब पैसे अभी दे सकता हूँ। नहीं नहीं, भरोसा है तेरे पे, लेकिन मेरे जैसी रास्ते की छोकरी का बच्चा तू अपनी बीवी की गोद में डालेगा, दुनिया क्या बोलेगी? दुनिया को कुछ मालूम पड़ेगा तो बोलेगी ना। अच्छा, चोरी चोरी। मेरी मेहनत की कमाई, कमाल हो गया है सेठ। आज तक मैं अपने पेट के वास्ते कमाती थी और आज पेट ही मेरे को कमा के देगा। लेकिन एक बात याद रखना सेठ, अपना भी लाइफ में एक ही उसूल है, मैं कभी किसी को अपने होठ का चुमा नहीं देती। ओके ओके। 10 लाख 10 लाख 10 लाख। हेलो प्रिया। हाय, मैं तुम्हारा ही फोन के इंतजार कर रही थी। सुनो, जो लड़की तुम्हें अपना बच्चा देने वाली है वो मुझे मिल गई। रियली? हाँ। शी वाज़ बीइंग एन एंजल। वो कितनी भली होगी जो हमारी मदद करने के लिए तैयार होगी। 10 लाख 10 लाख 10 लाख। भली है लेकिन प्रिया। समझ गई, वो गरीब घर की है यही ना? प्रिया वो वो अच्छे कल्चर की हो, हमारे लिए तो यही बहुत है। मेरी मेहनत की कमाई। I love you Priya. I love you too. सुनो, कल जाके अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीद लेना, ये लो 50,000। और ऐसे कपड़े लाना जिससे बदन ढके। क्यों, तेरे को मेरी बॉडी अच्छी नहीं लगती क्या? अच्छी बॉडी है लेकिन जरा इसे ढक के रखो। ठीक है। और घर वालों से कह देना कि तुम 1 साल के लिए मेरे साथ हो। अपुन का इस दुनिया में कोई नहीं है, जो भी है तू ही चेहरे। अच्छा तुम जाके सो जाओ। तो चलना, मैं कब की रेडी है। अरे नहीं, तुम यहाँ सो, मैं वहां सोता हूँ। क्या? तुम यहाँ सो, मैं वहां सोता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरे को मेरे 10 लाख जल्दी चाहिए। अरे नहीं नहीं, मेरे 10 लाख मेरे मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, सो जाओ। पता नहीं मेरे 10 लाख कब मिलेंगे। एक्सक्यूज मी, ये कितने का है रे? इट्स नॉट मेंट फॉर यू। हिंदी में बोलना। आपके मतलब की चीज नहीं है। काइको, कपड़ा खराब है या रंग कच्चा है? महंगा है, आप नहीं ले सकती। अरे क्या बात करती है तू, देखना पैसा है मेरे पास। चलो बाहर जाओ। अरे बाहर काहे को जाने का, पैसा है ना मेरे पास, कपड़े खरीदने को आई है मैं। एक बार बोला ना आपको, बाहर जाइए प्लीज, गेट आउट। अय्या, तलाक दिखाता है मेरे को। अरे तेरी नाक में रस्सी, फोकटिया समझ रखा है क्या मेरे को? अक्खी दुकान खरीद सकती है मैं तेरी, समझा क्या? ना तो हमें दुकान बेचनी है ना ही सामान, यहाँ सिर्फ शरीफ लोग आते हैं, बाहर जाओ। साला बुड्ढी के बाल, शरीफों के पैसे में क्या गुड़ लगा रहता है क्या? वॉचमैन जी साहब। ए, हाथ नहीं लगाने का मेरे को, रस्ते का माल सस्ते में समझा क्या? साला बुड्ढी के बाल, तेरे को मैं छोड़ेगी नहीं, छोड़ेगी नहीं मैं तेरे को। इतनी बड़ी दुकान खोल के बैठा है और तमीज फेरी वाले की भी नहीं है, साला हलकट। हट हट रे, साला आग दिखाता है मेरे को। हट, छोड़ेगी नहीं मैं साले को। मेरे को धक्का मार के दुकान से निकाला, इंसान नहीं पहचानता, ड्रेस पहचानता है। एक्सक्यूज मी मैडम। क्या है? कहाँ जा रही है आप? ऊपर, तू कौन होता है पूछने वाला? देखो मैडम, मैं यहाँ का जनरल मैनेजर हूँ, आपको किससे मिलना है? अरे मेरा सेठ है ना। कौन सेठ? अरे वो है ना, वो बड़ी बड़ी आंखों वाला चिकना, कल रात को तो मेरे को लेके आया था, उसका रूम भी ऊपर है। रूम नंबर? अभी नंबर वंबर मेरे को मालूम नहीं, वो है ना वो कमरा ऊपर जहाँ से दरिया दिखता है रे। देखो मैडम, यहाँ बहुत से कमरे है जहाँ से दरिया दिखाई देता है। अरे तू चल ना मेरे साथ, दिखाती तेरे को। आप ऊपर नहीं जा सकती। ए टकले, अभी तू लफा करे लाया, मेरे सेठ को पता चलेगा तो तेरी नौकरी खल्लास। मैडम, यू विल हैव टू गेट आउट ऑफ द होटल प्लीज। आप जैसी लेडीज हमारे होटल में नहीं आ सकती। गेट आउट। अरे छोड़ मेरा हाथ। अरे छोड़ मेरा हाथ। दैट्स ऑल। अरे नहीं, ए मोटू इधर आ, इधर आ। मैडम, अरे ये मेरे को जानता है। क्या बोलना है सफेद कलिंगड़ को कि तू मेरे को जानता है? तुम इसको जानता है? यस सर। अरे जाने का कैसे नहीं, ये तो मेरे को ऊपर लाया था।
सर ये राज मल्होत्रा के साथ थी। राज मल्होत्रा? एक्सक्यूज मी मैडम, बात यह है कि कल रात को मेरी ड्यूटी नहीं थी, इससे छोटी सी गलती हो गई। आई एम क्वाइट श्योर कि छोटी गलती को आप माफ करेगी। आई एम क्वाइट श्योर कि आप राज साहब को ये बात नहीं बताएगी। अरे कौन राज साहब? राज मल्होत्रा, जिसके साथ आप आई है। अय्या, अपने चिकने का नाम राज मल्होत्रा है। अभी तू भी आएगा क्या मेरे साथ? नहीं, नहीं, नहीं। चल ना, तू क्या देख रहा है? जी, 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 मेरा चिकना कहाँ है रे? इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारा पहला प्रोडक्ट लॉन्च होगा वो होगा फूड फॉर एक्सपेक्टिंग मदर्स। हमारे दोस्त अजय शर्मा, हमारे बिजनेस पार्टनर, इस प्रोडक्ट को अपने अमेरिकन कंपनीज के थ्रू वहाँ पे प्रमोट करेंगे और इनको जो भी टेक्निकल हेल्प चाहिए होगी मैं वहाँ पे आके दे दूंगा। ठीक है, मिस सिन्हा। यस सर, मार्केट सर्वे रिपोर्ट में हमारे प्रोडक्ट की यूरोप में बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं। ए सेठ, सेठ इधर आना। ऐसे तूने जो मेरे को पैसा दिया था वो दुकानदार वाला बोला मेरे को कि मैं तेरे को अले अले, उसने मेरे को बोला अब मैं तेरे जैसी लड़की को कपड़े नहीं देगा। तुम ऊपर जा, मैं आता हूँ। नहीं, मैं तेरे साथ खाना खाएगी। तुम ऊपर जाके ऑर्डर करो ना। साला तू लुकों के साथ खाना खा सकता है, मेरे को खाना नहीं खिला सकता। Who is she? I'm sorry, please forgive me. Sorry. It's okay. प्लीज सिन्हा सर। यस सर, मार्केट सर्वे रिपोर्ट में हमारे प्रोडक्ट की यूरोप राज बहुत अच्छे। कौन है ये? दोस्त है। दोस्त तो है लेकिन टाइम पास है क्या? वो अच्छी लड़की है। अच्छी लड़की तो है लेकिन धंधे वाली है ना? कौन धंधे वाला नहीं है? तू भी धंधे वाला है, मैं भी धंधे वाला हूँ। एवरीबॉडी यू आर राइट। आपको वहाँ नीचे आने की क्या जरूरत थी? ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो आपने मुझे आके मीटिंग में डिस्टर्ब किया? तेरे को मेरे पे शर्म आती है तो पहले काहे को नहीं बोला नीचे नहीं आने को? बाथरूम में बंद करके रख देता मेरे को, वो दुकान वाला भी कचरा कर दिया मेरा। बोलते ऐसी वैसी लड़की को कपड़ा नहीं बेचेगा। ऐसा काहे को देख रहा है? मैं अपना गुस्सा खाने पे नहीं निकालती, चाहिए तो जाके लेना। नहीं चाहिए मुझे। कौन दुकान वाला? वो रोड के उस पार, वो बड़ी दुकान वाला। क्या बोला? बोला ना तेरे को मेरी इज्जत का बाजी बाला कर दिया और अब तू भी। I'm sorry, मैं भूल गया था कि तुम किसी दूसरी दुनिया से आई हो। मैं नहीं आई थी, तू मेरे को लेके आया अपनी दुनिया में। छोड़ो से, ये लो। ये पकड़। चलो मेरे साथ। कहाँ? उसी दुकान से कपड़े खरीदने के लिए। मैं नहीं जाएगी वहां। मधुबाला, मधुबाला जी, क्या हुआ? आज पहली बार मेरे से किसी ने इतनी इज्जत से बात की। चल ना। चलो आओ। मिस्टर भाटिया का बिल। ओफो, आप यहाँ फिर आ गई? जी मैंने लाया हूँ। राज मल्होत्रा। राज मल्होत्रा? ओह मिस्टर मल्होत्रा, आई कांट बिलीव इट, आप हमारे यहाँ शॉपिंग के लिए आए, ये हमारे लिए बहुत फक्र की बात है। जी मैं शॉपिंग के लिए नहीं आया, ये आई हैं। आपके साथ आई है? श्योर श्योर। अब जैसी रीटा सीमा मैडम को अटेंड करो। जी नहीं, आप इन्हें अटेंड करेंगे। ओ श्योर श्योर, आइए मैडम, आइए आइए आइए। ये लीजिए मैडम, ये लीजिए। ठंडा पीजिए मैडम, मैं आपके लिए ठंडा लाया हूँ। मैडम आप ये ड्रेसेस देखिए, तब तक मैं आपके लिए अच्छे अच्छे शूज और सैंडल का इंतजाम करता हूँ। हाँ कल्पना मैडम, अरे तू लेके आना। चल जल्दी जा। यस 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 यस। ये ट्राई करते हैं, ये देखिए, ये अच्छा लगा आपको? नहीं, ये अच्छा, ठीक है। तय तो ये करके आया था सर कि मैं आपकी पूरी दुकान खरीद लूँ, लेकिन आपकी दुकान में ऐसा कुछ है ही नहीं जो इन पे अच्छा लगे। तुमको कुछ अच्छा लगा? चले कोई दूसरी बड़ी दुकान। चलो। सॉरी। भेजा बहुत गर्म होता है तेरा, ठंडा पी ले। हाँ, चलो। बुड्ढी के बाल। अगली बार ऐसी हरकत नहीं करना। जी।